साइंस कहती है कि जज्बात को ठंडा ना होने देना चाहिए। तू और तेरी सस्ती फिलॉसफी। अबे यार, अगर इसी तरह उदास होके खड़े होना था तो हम किसी पार्क में जाके खड़े हो जाते, जहां तुम्हारे सर पे सेब गिरता और तुम न्यूटन की तरह एक लॉ दरियाफ्त कर लेते। अमान, इस वक्त सबसे बड़ी मिस्ट्री रमशा है। उसे सॉल्व करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल हो गया। वो सिर्फ तुम्हें पसंद करती है नया, सिर्फ तुम्हें। पता नहीं यार, लोग अपनी जान सिर्फ उसी के लिए देते हैं जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हो। ये बात तुम अच्छे से जानते हो। रमशा ने तुम्हारे लिए अपनी नस काट ली थी यार। याद है मुझे, लेकिन अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो मेरी बात क्यों नहीं मानती यार? इंतहाई जिद्दी लड़की है वो, और एक वो बीना थी यार। तुम बीना को उससे कंपेयर करना बंद करो, वरना तुम्हारी लाइफ भी खराब होगी और रमशा की भी। वैसे तुम कहीं बीना को तलाक दे के रिग्रेट तो नहीं कर रहे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू जानता है कि मैं हर गलती माफ कर सकता हूं, लेकिन बेवफाई नहीं। जिस औरत में वफा नहीं है उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तो तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए ना, आंटी को भी और रमशा को भी। यार, ये दोनों काम एट अ टाइम तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है नयान। देखो, नाम लिया और कॉल आ गई। हाँ रमशा, बोलो क्या हुआ है? एवरीथिंग इज ओके? हाँ, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? यार रमशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है, चलो फिर निकल। लेट्स गो।